हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का रीतिकाल पार्ट टू जिसमें हमारा आज का विषय है रीति शब्द की व्याख्या तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्नों को शुरू करते हैं प्रश्न संख्या अठारह सत्रह प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं उसी के आगे के प्रश्न हैं ठीक है ध्यान से देखिए अब हम पढ़ेंगे रीति शब्द की व्याख्या तो दोस्तों हमारा प्रश्न इस प्रकार है संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख पांच संप्रदायों में से एक संप्रदाय कौन सा है तो दोस्तों रीति संप्रदाय रीति संप्रदाय संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख पांच संप्रदायों में से एक संप्रदाय है प्रश्न संख्या 19 रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य किसे माना गया है तो दोस्तों आचार्य वामन को आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना गया है प्रश्न संख्या 20 आचार्य वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यात करते हुए क्या कहा तो दोस्तों आचार्य वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यात करते हुए कहा विशिष्टा पद रचना रीति विशिष्टा पद रचना रीति तो दोस्तों ये जो टर्म्स हैं इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए अगर आप इसका हिंदी रूपांतरण देखेंगे तो वो इस प्रश्न में ही है ठीक है विशिष्टा पद रचना रीति जिसकी व्याख्या है रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यायित किया ठीक है किसने आचार्य वामन ने अगला प्रश्न है इक्कीस रीतिर आत्मा काव्यस्य से रीति आत्मा काव्य काव्य तो दोस्तों यह उक्ति किसकी है तो यह है उक्ति आचार्य वामन की है जिसमें उन्होंने कहा है कि रीति की आत्मा क्या है काव्यस्य यानी काव्य है ठीक तो रीतिर आत्मा काव्यस्य आचार्य वामन ठीक प्रश्न संख्या बाईस रसास्वाद रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है तो दोस्तों भट्ट नायक ने भट्ट नायक ने रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहा है प्रश्न संख्या तेईस आचार्य कुंतक कैसे आचार्य है? तो हैं तो दोस्तों आचार्य कुंतक वक्रोक्तिवादी आचार्य हैं वक्रोक्तिवादी ठीक ध्यान रखिए बहुत पूछा जाता है आचार्य कुंतक अगला प्रश्न है चौबीस तो दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या चौबीस आचार्य कुंतक ने रीति को कवि कर्म की विधि या प्रणाली मानते हुए क्या कहा है तो दोस्तों आचार्य कुंतक ने रीति को कवि कर्म की विधि या प्रणाली मानते हुए कवि प्रस्थान हेतु कहा है कवि प्रस्थान हेतु ठीक है ध्यान रखिए प्रश्न संख्या पच्चीस देखिए भंगी भणित भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है तो दोस्तों आचार्य कुंतक ने आचार्य कुंतक ने भंगी भणिति को विशेष महत्व दिया है प्रश्न संख्या छब्बीस आचार्य भोज आचार्य भोज ने रीति को क्या कहा है तो दोस्तों काव्य मार्ग आचार्य भोज ने रीति को काव्य मार्ग कहा है प्रश्न संख्या सत्ताईस, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो दोस्तों ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन है आनंद वर्धन प्रश्न संख्या अट्ठाइस आचार्य आनंद वर्धन ने रीति को क्या कहा तो दोस्तों आचार्य आनंद वर्धन ने रीति को वाच्य वाचक चारुत्व हेतु वाचक चारुत्व हेतु कहा रीति को किसने आचार्य आनंद वर्धन ने प्रश्न संख्या उनतीस हिंदी में रीति शब्द हिंदी में रीति शब्द प्राय किसके लिए प्रयुक्त होता है तो दोस्तों लक्षण ग्रंथों के लिए लक्षण ग्रंथों के लिए हिंदी में रीति शब्द प्रयुक्त होता है ठीक है ध्यान रखिए लक्षण ग्रंथों के लिए प्रश्न संख्या तीस रीति शब्द का सही अर्थ क्या है तो दोस्तों रीति शब्द का सही अर्थ काव्यांग निरूपण काव्यांग निरूपण है ठीक है प्रश्न संख्या इकतीस ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या इकतीस फिर से देख लीजिए दोस्तों जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें क्या कहते हैं फिर से सुनिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें क्या कहते हैं तो दोस्तों उन्हें कहते हैं रीति ग्रंथ ठीक है रीति ग्रंथ ये प्रश्न आपसे पलटकर भी पूछा जा सकता है कि रीति ग्रंथ किसे कहते हैं तो आप उत्तर देंगे कि काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन जिन ग्रंथों में किया गया है वे रीति ग्रंथ हैं ठीक है प्रश्न संख्या बत्तीस चिंतामणि ने रीति को क्या कहा चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा काव्य का स्वभाव कहा ठीक है किसने चिंतामणि ने प्रश्न संख्या तैतीस प्रश्न संख्या तैतीस बर्ण रीति स्वभाव ज्यो वृति सी मित्र रीति वृति वृति सी मित्र यह पंक्ति किसकी है तो दोस्तों चिंतामणि यह पंक्ति चिंतामणि की है ठीक है प्रश्न संख्या 34 देव ने ठीक है देव कौन कवि देव देव ने रीति को क्या कहा है तो दोस्तों देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है काव्य का द्वार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ठीक है अच्छे से पढ़ लीजिए प्रश्न संख्या पैंतीस ध्यान से देखिए ताते पहले बर निये काव्य द्वार रस रीति ताते पहले यानी उससे पहले वर्णीय वर्णन किया काव्य द्वार रस रीति यह पंक्ति किसकी है तो दोस्तों अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि काव्य का द्वार किसने कहा है रीति को देव ने तो आप काव्य द्वार जहाँ शब्द देखें वहाँ उत्तर देव लगाकर आ जाए ठीक है तो ये पंक्ति देव की है ताते पहले वर्णीय काव्य द्वार रस रीति प्रश्न संख्या छत्तीस काव्य रचना पद्धति के अर्थ में काव्य रचना पद्धति के अर्थ में रीति शब्द का प्रयोग रीति शब्द का प्रयोग किन आचार्यों ने किया है तो दोस्तों चिंतामणि देव सोमनाथ भिखारीदास दूल्हे कवि ये सोमनाथ भिखारीदास दूल्हे कवि ठीक है तो ध्यान से देखिए चिंतामणि देव सोमनाथ भिखारीदास दूल्हे कवि इन्होंने रीति शब्द का प्रयोग में रीति शब्द के प्रयोग में काव्य रचना पद्धति के अर्थ में किया है ठीक है फिर से सुन लीजिए काव्य रचना पद्धति के अर्थ में रीति शब्द का प्रयोग चिंतामणि देव सोमनाथ भिखारीदास दूल्हे कवि इन सभी ने किया है ठीक है प्रश्न संख्या सैतीस ध्यान से देखिए रीति सुभाषा कवित्व की रीति सुभाषा कवित्य की वर्णत बुद्ध अनुसार रीति सुभाषा कवित्त की वर्णत बुद्ध अनुसार यह पंक्ति किसकी है तो दोस्तों चिंतामणि की पंक्ति है ये किसकी चिंतामणि की, चिंता की पंक्ति ध्यान से रीति सुभाषा कवित्त की सुभाषा यानी रीता रीति जो है वो कवित्त की सुभाषा है ठीक है वर्णत बुद्ध अनुसार ठीक तो जिसका वर्णन बुद्ध के अनुसार किया जाता है कुछ इस तरह से इसका अर्थ है ठीक तो चिंतामणि की पंक्ति है अगली अगला प्रश्न है अड़तीस अपनी अपनी रीति के काव्य और काव्य रीति अपनी अपनी रीति के काव्य और काव्य रीति यह पंक्ति किसकी है तो दोस्तों देव की यह पंक्ति देव की है ठीक है प्रश्न संख्या उनतालीस अपनी अपनी रीति के काव्य और काव्य रीति अभी हमने पढ़ी थी यह पंक्ति अपनी अपनी रीति के काव्य और काव्य रीति देव की इस पंक्ति में रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है देख लीजिए सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग ढंग से पूछा गया है सही है तो ध्यान रखेंगे आप एक ही प्रश्न को कई बार कई अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है दोस्तों तो हर तरह से प्रश्न के पहलुओं को समझने की कोशिश कीजिए ठीक है तो देव की इस पंक्ति में रीति शब्द के अर्थ रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है तो दोस्तों काव्य रचना पद्धति की काव्य रचना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है इस पंक्ति में रीति शब्द के ठीक है आगे देखते हैं प्रश्न चालीस छंद रीति समझे नहीं छंद रीति समुझे नहीं बिनु पिंगल के ज्ञान छंद रीति समझे नहीं बिनु पिंगल के ज्ञान यह पंक्ति किसकी है तो दोस्तों सोमनाथ यह पंक्ति सोमनाथ की है तो दोस्तों पिछले प्रश्न में सोमनाथ और भिखारी दास वाला जो प्रश्न आया था उसमें कोमा नहीं था ठीक है तो ये दोनों अलग अलग कवि हैं आप ध्यान रखिए दोनों एक नहीं है ठीक अगला प्रश्न है इकतालीस काव्य की रीति सीखी सुकविंसो काव्य की रीति सीखी सुकविंसो देखी सुनी बहुलोक की बातें देखी सुनी बहुलोक की बातें यह है पंक्ति किसकी है तो दोस्तों भिखारी दास की पंक्ति है और अक्सर पूछी गई है एग्जाम्स में है? -स -स -बी में ठीक है है भी पूछी गई है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए काव्य काव्य की रीति सु, सीखी सुकविंसो देखी सुनी बहुलोक की बातें ठीक है यानी कह रहे हैं कि जो काव्य की रीति है ना वो कई सारे कवियों से सुनी है ठीक और बहुलोक की बातें यानी कि बहुत सारी बातें जो हैं काव्य की रीति को लेकर हम सुनते आए हैं कुछ इस तरह की का अर्थ दे रहे हैं भिखारी दास ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या बयालीस प्रश्न संख्या बयालीस थोरे क्रम क्रम ते कही थोरे क्रम क्रम ते कही अलंकार की रीति थोरे में थोड़े क्रम क्रम यानी कि थोड़े थोड़े क्रम में कही ठीक है क्या अलंकार की रीति यह पंक्ति किसकी है तो दोस्तों दूल्हे कवि की दूल्हे कवि की पंक्ति है थोरे क्रम क्रम ते कही अलंकार की रीति ठीक है प्रश्न संख्या तैतालीस ध्यान दीजिए कथन है इस युग की कविता में इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई प्रधानता श्रिंगार रस की रही अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है फिर से सुनिए इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई प्रधानता श्रिंगार रस की रही अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है यह कथन किसका है तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ठीक है और किसके लिए है ये आचार्य विश्वनाथ के लिए जिन्होंने रीतिकाल को क्या कहा श्रृंगार काल कहा ठीक है श्रृंगार काल कहा जिसके जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है ठीक है ध्यान रखिए चीज़ों को लिंक करके पढ़ेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी ठीक है और जितनी बार करेंगे ना जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर ढंग से आप चीज़ों को समझ पाएंगे ठीक है प्रश्न संख्या चवालीस ध्यान से देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है तो दोस्तों केशव दास को केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है अगला प्रश्न है पैंतालीस हिंदी के प्रथम हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है तो दोस्तों हिंदी के प्रथम यानी पहले सर्वांग निरूपक आचार्य केशव दास हैं, ठीक है थीके? केशव दास बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इनका अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे ठीक है तो ये इतने महत्वपूर्ण कवियां आप इनको अच्छे से कर लीजिए प्रश्न संख्या छियालीस प्रश्न संख्या छियालीस हिंदी के सर्वप्रथम लक्षण ग्रंथकार हिंदी के सर्वप्रथम लक्षण ग्रंथकार किसे माना जाता है तो दोस्तों केशव दास को आचार्य केशव दास को हिंदी के सर्वप्रथम लक्षण ग्रंथकार माना जाता है ठीक है प्रश्न संख्या सैंतालीस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे रीति परंपरा का प्रवर्तक रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ठीक है रीति परंपरा के प्रवर्तक को लेकर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है या तो ऑप्शन में केशव दास होंगे या चिंतामणि होंगे पूछा जाएगा कि किसने माना है किसने माना है ये बताना होगा आपको ठीक है तो आप याद रख लीजिए उनके नाम जिन्होंने इनको माना है रीति परंपरा का प्रवर्तक प्रश्न संख्या अड़तालीस देखिए हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए तो यह कथन किसका है तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का क्योंकि रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने माना है तो चिंतामणि का अगर कोई कथन आता है तो रामचंद्र शुक्ल आंख बंद करके टिक लगा दीजिए ठीक है तो जो जिसके समर्थन में होगा वो उसी का ही उत्तर होगा ना ठीक है कॉमन सेंस वाली बात है ये तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं उनचास डॉक्टर भागीरथ मिश्र डॉक्टर भागीरथ मिश्र होगा ये ठीक इन्होंने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है तो दोस्तों केशव दास को ठीक है केशव दास को डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य माना है अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप यहाँ पर इस बहस पर भी ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर एक बहस हो रही है लेखकों आचार्यों के बीच में कि किसे काल का प्रवर्तक कवि माना जाए चिंतामणि को या केशवदास को ठीक है तो उन्हीं को लेकर लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं ठीक है तो प्रश्नों को कुछ इस ढंग से समझिए कि आपको लगे कि हाँ बातचीत है वो आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए तो दोस्तों अभी हमने पढ़ी रीति शब्द की व्याख्या अब हम पढ़ेंगे रीति काव्य का विभाजन रीति काव्य का विभाजन ठीक है तो प्रश्न पचास आचार्य विश्वनाथ मिश्र आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है यानी कि बांटा है तो दोस्तों तीन श्रेणियों में तीन श्रेणियों में रीतिकाल को विभाजित किया है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने प्रश्न संख्या इक्यावन आचार्य विश्वनाथ मिश्र द्वारा विभाजित रीतिकाल की तीन श्रेणियां कौन सी हैं तो दोस्तों रीतिबद्ध रीति सिद्ध रीति मुक्त फिर से सुनिए रीतिबद्ध रीति सिद्ध रीति मुक्त ठीक है आप आप अगर इसको समझेंगे तो यहाँ पर आप ये ट्रिक लगा सकते हैं बद्ध से आप भगवान बौद्ध को याद रखिए सिद्ध से सिद्धि ठीक है और मुक्त से मुक्ति तो मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है ये है कि भगवान बुद्ध को पहले सिद्धि प्राप्त हुई फिर मुक्ति प्राप्त हो गई ठीक है तो इस तरह से रीति बद्ध रीति सिद्ध और रीति मुक्त ये तीन श्रेणियां हैं रीतिकाल की जिसका विभाजन आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने किया है ठीक है प्रश्न संख्या बावन ध्यान दीजिए दोस्तों रीति काव्य का प्रमुख विषय कौन सा है तो दोस्तों रीति काव्य का प्रमुख विषय श्रृंगार है ठीक है विशेषताओं में भी हमने पढ़ा था सबसे प्रमुख जो विशेषता थी वो क्या थी रीतिकाल की श्रृंगार इसीलिए उसी को यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं और समझते हैं रीति काव्य का प्रमुख विषय भी श्रृंगार ही रहा है यानी कि जितनी रचनाएं हुई हैं यानी अधिकांश रीतिकालीन रचनाएं श्रृंगार से संबंधित है रचनाएं हैं अगला प्रश्न है त्रेपन रीति काव्य की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है तो दोस्तों रीति काव्य की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है रिपीटेड क्वेश्चन है कोई बात नहीं कर लीजिए आपके रिवीजन हो जाएगी ठीक है प्रश्न संख्या चौवन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न ठीक है रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है तो दोस्तों संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य का मूल स्रोत ठीक है संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य का मूल स्रोत है ध्यान रखिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है पूछा जाता है हमेशा कि किसके आधार पर मतलब किस काल की रचना हुई है ठीक है तो रीति यानी कि संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ ये मूल स्रोत हैं ठीक इसीलिए यहाँ पर आपने जो आचार्य पढ़े वो कौन से आचार्य थे वो संस्कृत के आचार्य थे ठीक है वामन सही है तो हमारा यह पार्ट यहीं समाप्त होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग तो दोस्तों आपको मेरे वीडियोज अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों